आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राफेल पर जेपीसी नामंजूर, राहुल गांधी को अरुण जेटली ने दिया जवाब। कमलनाथ सरकार ने रोका वंदे मातरम गायन तो बीजेपी नेताओं ने जताया विरोध, बल्लभ भवन पर हुआ वंदे मातरम। कांग्रेस सरकार ई टेंडरिंग मामले की करेगी जांच, पर्यटन को लेकर होगा काम। भूपेश बघेल मिले मजदूरों से, मजदूरों की समस्याएं जल्द होंगी दूर। और मध्य प्रदेश फिर हुआ शर्मसार, खजुराहो में चीनी पर्यटक के साथ बलात्कार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। राफेल मुद्दे को लेकर बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सौदे में धांधली के आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल पूछे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इन आरोपों का जवाब दिया और जेपीसी की मांग से इनकार कर दिया। सदन में चर्चा की शुरूआत राहुल गांधी ने की और इस दौरान उन्होंने सदन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा जारी किए गए ऑडियो टेप को सुनाने की मांग की, जिसका सत्ता पक्ष ने जमकर विरोध किया। साथ ही लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टेप चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अरुण जेटली ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा करार दे दिया। राफेल सदन में बहस के दौरान अरुण जेटली के बयान पर विपक्षी दल हंगामा करने लगा और किसी ने तो कागज के हवाई जहाज ही उड़ा दिए। लगातार हो रहे हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। जेटली ने कहा कांग्रेस को केवल पैसे का गणित समझ में आता है। सदन में वित्त मंत्री ने कांग्रेस की इस मामले में जेपीसी की मांग ठुकराते हुए इससे पूरी तरह इनकार कर दिया। जेटली ने कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, कांग्रेस जो कीमत का मुद्दा उठा रही है उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय जिन विमानों का सौदा हुआ था उनमें हथियार नहीं थे, जबकि वर्तमान सौदे पर हथियारों से लैस विमानों का सौदा हुआ है जो यूपीए शासन के दामों से 20% कम पर हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा नेता अरुण जेटली ने ऑडियो टेप को लेकर राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठा टेप लेकर आते हैं और सदन में सुनाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन उसे प्रमाणित करने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता है यह टेप उनकी पार्टी द्वारा फर्जी तरीके से बनाई गई है। We had all thought that there is something very significant they have to say. But I must say, after hearing the lead speaker on behalf of the Congress party, we are all utterly disappointed. The country is disappointed because every word he has said is something which is belied in the face of the judgment of the Supreme Court. ये जो टेप निकली है, इसमें गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में सबके सामने बोला, मेरे पास राफेल की फाइलें पड़ी हुई हैं, मेरे घर में पड़ी हुई हैं। जेटली आगे बोले कि पिछली बार राहुल गांधी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आज उन्होंने फिर से वही सब किया है। उन्होंने एक टेप चलाना चाहा, लेकिन उसे प्रमाणित करने से डर रहे हैं। जेटली ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो फोर्स अगस्ता जैसे घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड एक परिवार की प्रॉपर्टी हो गया है। इस देश में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें केवल पैसे का गणित समझ में आता है, देश की सुरक्षा का नहीं। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद महीने के पहले दिन सचिवालय के सामने होने वाले वंदे मातरम गायन को बंद किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वल्लभ भवन के बाहर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया और कमलनाथ पर कुर्सी की राजनीति का आरोप लगाया।
हर पहली तारीख को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में कार्य शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गायन होता था, लेकिन कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 14 साल में पहली बार वंदे मातरम का गायन नहीं होने से बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन के बाहर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया और वंदे मातरम का गायन किया। कांग्रेस सत्ता लोलुप है, कमलनाथ जी कुर्सी के मुंह में मदमस्त है, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये वो मूल मंत्र रहा है जिसने देश को आज़ादी दिलाई है। हजारों लाखों नौजवान इसको गाते हुए फांसी पर चढ़ गए, तब जाकर ये भारत आज़ाद हुआ है। इस मूल मंत्र का गायन हम निरंतर जारी रखेंगे। ये राष्ट्रद्रोह का कृत्य किया है कांग्रेस की सरकार ने। ये कांग्रेस ने 14 साल की परंपरा नहीं तोड़ी, ये 15 अगस्त 1947 के आजादी के महामंत्र का अपमान किया है कांग्रेस ने। वंदे मातरम गाना कमलनाथ जी को कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था? क्या वंदे मातरम से कांग्रेस सरकार कंगाल हो रही थी? क्या वंदे मातरम से क्या? आखिर वंदे मातरम बंद करना आतंकवाद के हौसले बढ़ाना, वंदे मातरम बंद करना कराची और लाहौर में बैठे हुए आका को मनाना, वंदे मातरम बंद करना अर्थात उन अतीत के शहीदों जिनके कारण एक कुर्बानी में वल्लभ भवन हमको मिला है। ये मुख्यमंत्री की सीढ़ी तब चढ़ पाए श्रीमान कमलनाथ जी जब लोग शहीद हुए हैं। कांग्रेस सरकार के वंदे मातरम गायन बंद किए जाने के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार ने हमेशा से ही राष्ट्र के विरुद्ध कार्य किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही पाकिस्तान के गीत गाती आई है और देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर रोक लगा रही है। वंदे मातरम की सियासत का हक किसी को भी इस देश में नहीं है। वंदे मातरम गीत किसी पार्टी का गीत नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय की भावना से जुड़ा हुआ गीत है और इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राष्ट्रगीत जैसे गीत को बंद करके उन समस्त राष्ट्रभक्तों का अपमान किया है जो इस देश के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति का हमेशा परिचय देने का काम करते हैं। एक्चुअली वंदे मातरम रीति रिवाज इन सबसे परे राष्ट्रभक्ति का विषय है। यह वह वंदे मातरम है जिसका नारा लगाते लगाते हजारों शहीदों ने इस मातृभूमि को अपने खून का एक एक कतरा दिया, तब आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कमलनाथ की सरकार ने नवाचार के नाम पर जो बेकार किया है, जो बेकार मध्य प्रदेश को दिया है, उससे पूरे मध्य प्रदेश के वासी शर्मिंदा हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस सम्मान को लौटाने के लिए, उस सम्मान को स्थापित करने के लिए और सरकार को अपना निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए आज ये आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने ये शपथ ली है कि सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर सरकार इस प्रकार की ओछी हरकतें करती रही तो। 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक वंदे मातरम गाने की परंपरा स्टार्ट की थी, ये वल्लभ भवन में कार्य करने से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। आज जब कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ की सरकार है, तो वंदे मातरम नहीं गाया गया। इस पर बीजेपी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री और विधायक मिलकर यहाँ वल्लभ भवन में बाहर खड़े हुए हैं और विरोध कर रहे हैं कि वंदे मातरम क्यों नहीं गाया गया। वंदे मातरम जो कि राष्ट्र गीत माना जाता है, वंदे मातरम एक राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है, उसके बाद भी वंदे मातरम क्यों नहीं गया? वंदे मातरम से क्या दुश्मनी है? कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते रहे हैं हमेशा से और ये राष्ट्रद्रोह की बातें करते रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि वंदे मातरम पर जो राजनीति शुरू हुई है वो कहाँ तक चलती है और कब तक खत्म होती है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। बता दें कमलनाथ ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि वंदे मातरम को अलग रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इधर बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुर्सी के लिए राष्ट्रहित की बातें ताक पर रख देती है। एमपी में नए नए मंत्री बने सचिन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ई टेंडरिंग मामले की जांच करवाएगी। उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत काम होना है और पर्यटन को बढ़ाने के लिए वे काम करेंगे। भोपाल में पद ग्रहण करने के बाद मंत्री सचिन यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा पिछली सरकार ने ई टेंडरिंग के नाम पर बहुत गड़बड़ी की है, इस मामले की जांच सरकार करवाएगी। सचिन यादव का कहना है एमपी में पिछले 15 सालों में पर्यटन की दृष्टि से कुछ नहीं हुआ, अब पर्यटन बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे। देखिए ई टेंडरिंग तो हमारे घोषणा पत्र में है, जितने भी 15 सालों में ई टेंडरिंग हुई है बहुत सारी इसमें शिकायतें हैं,
बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हम भी कहते थे, और जितने भी इंडियन रिंग हुए मेरे डिपार्टमेंट, हम सबकी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, सबकी जांच कर रहे हैं। युवा मंत्री सचिन यादव को एक बेहतरीन विजन वाला नेता माना जाता है। सचिन यादव के पिता स्वर्गीय सुभाष यादव मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बड़े भाई अरुण यादव भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल की शुरुआत मजदूरों के साथ की। बघेल ने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए वर्ष की शुरुआत राजधानी रायपुर के कोतवाली के पास चावड़ी में मजदूरों से मुलाकात करके की। बघेल ने मजदूरों को मिठाइयां बांटकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी और बहुत ही आत्मीयता से उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। मजदूरों के आग्रह पर मुख्यमंत्री बघेल ने चावड़ी में मजदूरों के लिए शेड का निर्माण किया, एक शौचालय के निर्माण और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित श्रम आयुक्त सुबोध कुमार सिंह को इस संबंध में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बघेल ने कहा कि सभी के मजदूर कार्ड बनवाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें मिनिमम बिजनेस मिले। मजदूरों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे और मां दंतेश्वरी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना की। बघेल ने दंतेवाड़ा में एक सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दंतेवाड़ा पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नववर्ष पर माता दंतेश्वरी के दर्शन किए। भूपेश बघेल ने मंदिर में छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की। प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई शुभकामना। आज सर दंतेवाड़ा में मोबाइल दर्शन और सभी से मंगल कामना की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए, यही मुख्यमंत्री ने यहां एक सभा को संबोधित किया और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के गृहग्राम फरसपाल पहुंचे। कर्मा परिवार से भेंट के पश्चात मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में रोड शो किया जहां उन्हें लड्डुओं से तौला गया। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में चीनी महिला पर्यटक के साथ रेप का मामला सामने आया है। यह चीनी महिला नया साल मनाने 28 दिसंबर को खजुराहो आई थी, जहां चाय में नशीला पदार्थ मिला के इसके साथ बलात्कार किया गया। महिला ने आगरा में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश के माथे पर एक बार और बलात्कार का दाग लग गया। खजुराहो में कुछ लोगों ने एक चीनी महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। खजुराहो से आगरा जाने के बाद इस चीनी महिला ने आगरा पर्यटक पुलिस थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई है। चीनी महिला 28 दिसंबर को खजुराहो गई थी, तभी कुछ युवक चाय पी रहे थे। उन्होंने उससे दोस्ती की और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। चीन से महिला आई थी, तो उन्होंने यहाँ से जाने के बाद आगरा पहुँचने के बाद में शिकायत की है आगरा पर्यटक चौकी में। उसमें उनका कहना है कि उनको संदेह है कि उनको कुछ खिला पिला करके उनके साथ संदेह किया है कि उनके साथ रेप किया गया हो सकता है, इसलिए उसकी जाँच के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। उस पर से आगरा पुलिस ने मुकदमा कायम किया है और उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल परीक्षण में प्रथम दृष्टया उनके साथ में रेप के साइन, जो रेप के समय में के जो स्ट्रगल है, उस तरह के साइन नहीं आए हैं। और उस मामले को लेकर के छतरपुर पुलिस ने काफ़ी संजीदगी रखी है। TI खजुराहो टीम के साथ में, महिला बल के साथ में आगरा में है और यहाँ पर भी क्या घटना हुई है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है, जानकारी प्राप्त होती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की रिपोर्ट आगरा पर्यटक पुलिस में दर्ज होने के बाद आगरा पुलिस ने छतरपुर SP से बात की और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। पीड़ित चीनी महिला का मेडिकल कराया गया। छतरपुर SP विनीत खन्ना का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने खजुराहो TI के साथ एक पुलिस की टीम को आगरा भेजा है। स्वच्छता अभियान में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले सफाई कामगारों को बिजावर में कंबल वितरित किए गए। बुंदेलखंड इलाका इस समय सर्दी का प्रकोप झेल रहा है। बिजावर नगर परिषद कार्यालय में नववर्ष के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों को कंबल बांटे गए। स्वच्छता अभियान के तहत पूरे नगर को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं सफाई कर्मचारियों की है। हमारे सफाई कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया जाए, इसलिए उनके बुला के उनको बताया कि नगर को और अच्छी तरीके से साफ सफाई व्यवस्था की जाए, और ठंड बहुत थी तो उनके उत्साह बढ़ाने के लिए हम सब ने कंबल का वितरण किया। नगर परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने गर्म कंबल वितरित करते हुए कहा कि यह कर्मचारी वास्तविक रूप से बधाई के पात्र हैं और नववर्ष पर इन कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नए साल के उपलक्ष्य में संत नगर में साई पालकी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया और बाबा के दर्शन किए। संत हिरदाराम नगर में श्री साई सेवा समिति ने नववर्ष के उपलक्ष्य में साई पालकी यात्रा निकाली। संत नगर के सीहोर नाका मां दुर्गा मंदिर से साई पालकी निकाली गई। पालकी में ढोल डीजे बैंड के साथ साई बाबा के जीवन पर आधारित झांकियां भी शामिल थीं। साई पालकी संत नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए बेहटा गांव स्थित साई मंदिर में संपन्न हुई। साई पालकी का जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। निरंकारी विद्वान डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा ने कहा, संत का जीवन दूसरों के परोपकार के लिए होता है और परोपकार से बड़ा कोई सुख नहीं है। डॉक्टर शर्मा संत नगर में सत्संग को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली से आए निरंकारी विद्वान ज्ञान प्रचारक डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा ने संत नगर में आयोजित सत्संग में भाग लिया और परोपकार शब्द की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि परोपकार सबसे बड़ा आनंद देने वाला कार्य है। उन्होंने कहा, संत का जीवन तो केवल दूसरों के परोपकार के लिए होता है। हम सभी सत्संग में बैठे हुए संत हैं, सद्गुरु से अरदास करते हैं कि नया साल सारे जहां के लिए मंगलमय हो और हम परोपकार कर सकें। निरंकारी मंडल की ओर से 4-5 दिन का ये आपके मध्य प्रदेश का ये हमारा जो निरंकारी जोन है, यहां भोपाल का, उसमें सद्गुरु माता सुभिक्षा जी ने भेजा है और नामक में यही संदेश भेजा है कि हम जातिवाद, रंग, नस्ल और अपने जितने भी संकीर्णताएँ हैं इससे ऊपर उठकर मानव एकता के लिए, माध्यमाय में कल्याण के लिए जो निरंकारी बाबा 26 वर्ष तक हमें ये उपदेश देकर गए कि मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव। संत निरंकारी मंडल ब्रांच बैरागढ़ में नववर्ष के उपलक्ष्य में विशाल सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली से आए विद्वान निरंकारी प्रचारक डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा ने अपने विचार रखे। समारोह में बैरागढ़ के अलावा भोपाल, मंडीदीप, इटारसी, आष्टा, सीहोर, गांधीनगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालुगण उपस्थित थे, जिन्होंने प्रवचनों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। शिवराज सिंह के बुधनी में हड़कंप मचा हुआ है। यहां तकरीबन 100 परिवारों को अपने आशियाने हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस दिए हैं। इन लोगों को कल तक रेलवे की जगह खाली करना है। बुधनी के वार्ड क्रमांक 3 सहित अन्य वार्ड के करीब 100 परिवारों को मकान हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी कर कल तक जगह खाली करने के लिए कहा है। इससे पहले परेशान लोगों ने एक ज्ञापन प्रशासन को दिया। ये लोग पिछले 20 सालों से इस जमीन पर काबिज हैं। इस बात को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों से बात की है। इन लोगों ने रहने के लिए दूसरी जगह की मांग की है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने इन रहवासियों को रेलवे की जगह पर अतिक्रमण बताते हुए इतनी जल्दी विस्थापना नहीं किए जाने की बात कही। व्यवस्था ऐसा है कि उन लोगों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया है तो विस्थापन का सवाल नहीं उठता है, गलती उनकी है। प्रशासन ने अभी उनसे रेलवे वालों से बात की तो वो कह लगे हमारा पूरा सब प्लान तैयार हो गया, हम लोग अतिक्रमण तोड़ेंगे। रेलवे ने इस सब को अतिक्रमण मानते हुए अपनी हद में बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिया है। रेलवे धारा 146, 147, 148 के तहत अतिक्रमण हटाएगा। ऐसे में सवाल है, इतनी ठंड में बेघर हुए लोग कहां जाएंगे।
छतरपुर में प्रशासन ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कस दिया और रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने 5 ट्रैक्टर भी रेत माफियाओं के जब्त किए हैं। छतरपुर जिला प्रशासन ने रेत का परिवहन करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया। पुलिस और राजस्व के अधिकारियों ने सटई रोड पर रेत माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की। प्रशासन की इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और वो रात में रेत भरे ट्रैक्टर को लेकर भागने लगे। राज्य शासन के निर्देश अनुसार अभी विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन के जितने भी कार्रवाई चल रहे हैं क्षेत्र में, उन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त दल पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग के अमले ने आज कार्रवाई का प्रारंभ किया है। सटई रोड में कार्रवाई के अंतर्गत जो अवैध बालू परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टर हमने जब्त किए हैं, उसके जो विधि अनुसार कार्रवाई वो किया जा रहा है। अभी प्रशासन की यह कार्यवाही अभी जारी रहेगी। कल ही CSP ने ओरछा रोड थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर जब्त किए थे। यह अभियान अगर हमेशा चले तो रेत की तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।